हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हमने स्टडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिज्म। ओके, अब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट आते हैं तो मैग्नेटिज्म पढ़ना बहुत ही ईजी है। अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया है तो मैग्नेटिज्म सेम डेफिनेशन और सेम प्रॉपर्टी, सारे ऑलमोस्ट सेम टॉपिक आपको यहाँ स्टडी करने हैं। तो पहले देख लेते हैं मैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आते हैं। कुछ मटेरियल जो है उनके पास कुछ मेटल को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, तो ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। देखो, द सर्टन फॉर्म ऑफ आयन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग आयन। ओके, अब एक आयन का ओर है जिसे कहा जाता है मैग्नेटाइट। ओके, उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि आयन को अट्रैक्ट करे। सो दिस ओर इज नोन एज अ मैग्नेटिक ऑक्साइड और आयन Fe3O4। तो आयन का ये ऑक्साइड है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयन Fe3O4। तो ये क्या होता है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है। ये क्या होता है, नेचुरली ये हमें जो ओर मिलता है Fe3O4 वो नेचुरल मैग्नेट होता है। मीन्स जमीन के अंदर होता है मैग्नेटाइट, अगर आप उसको लोगे तो वो मैग्नेट जैसा काम करता है, कुछ आयन या आयन को अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी उसके पास होती है। लेकिन हम मैग्नेट को आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। ओके, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। मेटल लाइक आयन, निकेल, कोबाल्ट कैन बी मैग्नेटाइज बाय द डिफरेंट मेथड कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, अब हमारे पास अगर मेटल है आयन, निकेल, कोबाल्ट, हम उसे बाहर से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। बाहर से उसे मैग्नेटाइज, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं मैग्नेटाइज करने के। देखो, आपने कभी मैग्नेटाइज किया होगा, एक आयन का मटेरियल लिया होगा, उसको अगर आप मैग्नेट लगाते हो तो वो मटेरियल भी मैग्नेट जैसा एक्ट करने लगता है, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मीन्स उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो आयन, कोबाल्ट, निकेल जैसे मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, और उसकी वजह से वो मैग्नेट बन जाता है। दैट मैग्नेट इज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम बना सकते हैं। देखो, सो डिफरेंट शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट हम जब बता दें तो एक ही शेप का नहीं बनाते, कुछ बार बार मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्शो मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल सर्कुलर मैग्नेट, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट हम बनाते हैं। अगर आप देखो बार मैग्नेट, इस तरह से जो मैग्नेट होता है इसे कहते हैं हम बार मैग्नेट, ये होता है बार मैग्नेट। ओके, देन मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में यूज किया जाता है इस तरह से, ये होता है मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ साउथ पोलिस में भी होता है। देन हॉर्सशू मैग्नेट, इस तरह का मैग्नेट होता है हॉर्सशू मैग्नेट। देन सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल टाइप मैग्नेट होता है। देन सर्कुलर मैग्नेट, जो आपने स्पीकर में देखा होगा सर्कुलर टाइप मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट के टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, देन आर्टिफिशियल मैग्नेट इज अ स्ट्रॉन्गर देन अ नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि आर्टिफिशियल हम बना रहे हैं तो उसको हम अपने हिसाब से बना सकते। तो ये जनरली मैग्नेट जो होते हैं आर्टिफिशियल, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल मैग्नेट से। तो समझ में आ गया, दो टाइप के मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट है, एक आर्टिफिशियल। मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 वो होता है नेचुरल मैग्नेट, और ये आयन, कोबाल्ट, निकेल को अगर हम मैग्नेटाइज करते तो उससे हम क्या बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन मैग्नेटिज्म में। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अगर मैग्नेट को समझना है, बार मैग्नेट, जनरली हम बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं। बार मैग्नेट इस तरह से मैग्नेट होता है, नॉर्थ साउथ, तो ये हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी अब हम स्टडी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट आयन, निकेल, कोबाल्ट। बार मैग्नेट आयन, निकेल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम मैग्नेट को टाई कर दें, ऐसे अटैच कर दे और ऐसे छोड़ दे, तो वो क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा। नॉर्थ साउथ मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें दिखाएगा, तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होता है, तो उसके पास डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो डायरेक्शन दिखाता है हमें। देन लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल आ गया, अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल आ गया या साउथ के सामने साउथ पोल आ गया, नॉर्थ नॉर्थ पोल एक साथ आ गया या साउथ साउथ पोल एक साथ आ गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, दूर जाएंगे। नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वेयर एज नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
ओके, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये समझ में आ गया। देन मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर, मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर मीन्स अगर हमने एक मैग्नेट लिया और उसको कट कर दिया, अगर एक मैग्नेट लिया और उसके दो पीस कर दिए हमने, या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब हमें लगेगा कि नॉर्थ एंड साउथ पार्ट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमने कट कर दिया तो जहां से हमने कट किया है वहां साउथ आ जाएगा और दूसरी तरफ नॉर्थ आ जाएगा। तो कितने भी आप छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दो, नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा दो पोल हर एक मैग्नेट, कितना भी छोटा टाइनी मैग्नेट हो, कितना भी छोटा टाइनी मैग्नेट हो, उसको नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे ही। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर, ये हमेशा पेयर में ही रहेंगे। ओके, इसलिए इसे डाइपोल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट, मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज अनदर पीस ऑफ आयन। अब अगर मैग्नेट को हम आयन का कोई चीज लगा देते हैं तो आयन का चीज मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन मींस ये भी मैग्नेट जैसा एक्ट करता है, ये भी मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। मींस अगर मैग्नेट को मैंने एक कील लगा दिया, नेल लगा दिया, तो वो भी क्या करेगा? मैग्नेट जैसा है, उसको भी चीजें चिपकेगी, उसको भी आयन वाली चीजें चिपकेगी, तो वो भी मैग्नेटाइज हो गया, वो भी मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। ठीक है, ये समझ में आ गए। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया था कि चार्ज के सामने फील्ड होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के सामने जो फील्ड होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही जब हम मैग्नेट एक जगह पे रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी क्या बनता है? एक फील्ड बनता है, उसके सराउंडिंग में भी एक फील्ड बनता है, दैट फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट इज सराउंडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटल, अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट। अब मैग्नेट के अराउंड भी ये फील्ड होता है, और जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है, किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में सीखने वाले कि अगर वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में भी एक फील्ड बनता है, दैट फील्ड इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के सराउंडिंग में भी होता है और वायर के सराउंडिंग में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट। अब ये एक मैग्नेट हमने रखा है, ओके, उसके सामने में दूसरा मैग्नेट लेके आया, उसके सामने में दूसरा मैग्नेट लेके आया। जैसे ही मैं मैग्नेट लेके आऊंगा, इसके अंदर लेके आऊंगा, तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, मींस अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही इसके बाहर निकल जाऊंगा, साउथ पोल अट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो जहां तक ये अट्रैक्ट या रिपेल करता है, दैट मच स्पेस। अगर मैं यहां नॉर्थ पोल लेके आऊंगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा। इसके बाहर चला जाऊंगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो जितनी जगह तक यह फोर्स अप्लाई होता है, दैट मच स्पेस इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रेजेंट। जहां मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, उतनी जगह मैग्नेट के सराउंडिंग में, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यह किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप अगर ज्यादा दूर जाओगे तो ये फील्ड कम होता जाएगा, नजदीक आओगे तो फील्ड बढ़ता जाएगा। जितना मैग्नेट के नजदीक आओगे फील्ड स्ट्रॉन्गर, अगर मैग्नेट के दूर जाओगे तो फील्ड वीकर। तो पॉइंट क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मींस अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड कम होता जाता है स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, सपोज अब ये मेरे पास एक मटेरियल है, उसको मैंने मैग्नेट लगाया, ये मैग्नेटाइज हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जैसे मैं मैग्नेट हटा देता हूं वापस ये मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाता है। मीन्स अब ये मैग्नेट जैसा एक्ट नहीं करेगा, ये मैग्नेट जैसा एक्ट नहीं करेगा, मीन्स ये मटेरियल नॉर्मल बन गया, ये मटेरियल क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके पास टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है। तो मैग्नेटिज्म, अगर हम मैग्नेट लगाएंगे, सपोज ये मैग्नेट है, इसको हम लगा दिए तो ये मटेरियल भी मैग्नेट हो गया,
जैसे ही हटा दिया वापस मैग्नेटिज्म खत्म, मींस ये मैग्नेटिज्म को पकड़ के नहीं रह सकता, मींस इसके पास रिटेंटिविटी नहीं है। मैग्नेटिज्म को पकड़ के रखने वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिटेंटिविटी। अगर मैंने यहां इसको मैग्नेट लगाया, ये मैग्नेट बन गया, अब हटाया फिर भी ये मैग्नेट है, फिर भी ये मटेरियल क्या है, मैग्नेट है। तो जैसे ही मैं इस मटेरियल को दूसरे मटेरियल के पास, आयन के पास लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, आयन इसको स्टिक हो जाएंगे, तो ये भी मैग्नेट बन गया। तो अब ये मैग्नेटिक पावर को पकड़ के रख रहा है, ठीक है। पहले मैंने मैग्नेट लगाया, ये मैग्नेट बन गया, देन हटा दिया, फिर भी ये मैग्नेट बना हुआ है, मींस इसने क्या किया, मैग्नेटिज्म को रिटेन किया है, क्या किया, रिटेन किया है। तो इट इज नोन एज अ रिटेंटिविटी, इसे हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो क्या होता है रिटेंटिविटी, इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटाइज आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब हमारे पास एक मटेरियल है, इसको हमने मैग्नेट लगा दिया, तो ये मैग्नेट बन गया, ये क्या बन गया, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। ये बन गया मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को मैंने हटा दिया, इस मैग्नेट को हटा, फिर भी ये मैग्नेट बना हुआ है, मींस इसने क्या किया, मैग्नेटाइज इसमें बचा हुआ है। इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटाइज, अब ये मैग्नेटाइज ही रह रहा है, ये मैग्नेट बना हुआ रह रहा है। रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, हमने मैग्नेट को हटा दिया फिर भी ये मैग्नेट बना हुआ, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग या कितना वीक है वो बताने वाली प्रॉपर्टी, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी थी, सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन अब सेम होंगे, डेफिनेशन सेम होंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक के लेक्चर हमारे देखे, उससे कंसेप्ट क्लियर हुए, तो अब मैग्नेटिज्म पढ़ना ईजी हो चुका है, ठीक है। तो देखो क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट। ओके, अब एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमने एक पॉइंट चूज किया, अब हमने एक पॉइंट चूज किया, पॉइंट पी, ठीक है, हमने एक पॉइंट चूज किया पॉइंट पी। अब यहां मुझे फाइंड आउट करना कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है क्या वीक है। तो यहां मैं क्या लेके आऊंगा, नॉर्थ पोल, इस पॉइंट पे मैं क्या लेके आऊंगा, नॉर्थ पोल। ओके, अब ये जब भी ये नॉर्थ पोल यहां आएगा तो ये कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या कितना स्ट्रांगली रिपेल होगा, अगर साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल होगा तो रिपेल करेगा। तो ये कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या कितनी स्ट्रांगली, मीन्स इसके ऊपर कितना स्ट्रांगली फोर्स पड़ेगा इस मैग्नेट की वजह से। ओके, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, पॉइंट पी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये पॉइंट कहां है, मैग्नेटिक फील्ड में है, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं जब हम उसे इस पॉइंट पे रखते हैं। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी स्ट्रांग, अगर फोर्स कम होगा तो इंटेंसिटी वीक। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसको डायरेक्शन होती है, इसको इंडिकेट करते हैं लेटर एच से, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लेटर एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर वेबर, और उसी को कहा जाता है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस। तो इसका यूनिट क्या है, टेस्ला ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट है गॉस। देन वन टेस्ला, अगर हम यूनिट की बात करें कि वन टेस्ला होता क्या है, सो वन टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेटेड बाय वन न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पियर करंट पर मीटर कंडक्टर, ठीक है। अब हमने एक मीटर का कंडक्टर लिया, एक मीटर का वायर लिया है या कंडक्टिंग मटेरियल लिया है, कॉपर का वायर लिया है, कितना, वन मीटर। ओके, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वन एम्पियर। तो अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो फोर्स अप्लाई करता है वन न्यूटन, कितना फोर्स अप्लाई करता है, वन न्यूटन,
सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेटेड बाय वन न्यूटन ऑफ फोर्स, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है वो अगर वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करती है जब वायर से वन एम्पियर करंट जा रहा है और वायर वन मीटर का है, देन उस फील्ड को या उस इंटेंसिटी को हम कितना कहेंगे, वन टेस्ला कहेंगे। ठीक है, तो वन टेस्ला समझ में आ गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, अभी हमने स्टडी किया। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ अपॉन पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ है क्या, तो पोल स्ट्रेंथ मीन्स मैग्नेट को दो पोल होते हैं, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, तो उस दो पोल के पास कितनी पावर है, वो कितना स्ट्रेंथ है। मीन स्ट्रांग मैग्नेट होगा तो पोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग, अगर वीक मैग्नेट होगा तो पोल स्ट्रेंथ वीक होगा। ठीक है, तो इस पोल के पास कितना स्ट्रेंथ है, अट्रैक्टिव पावर कितना या रिपल्सिव पावर कितना है, उसके ऊपर पोल का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। उसको हम एम से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, एम से, ये याद रखो। तो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल, नॉर्थ पोल आ रहा है ना, तो पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला सीखा है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी फॉर्मूला है, वन अपॉन फोर पाई म्यू जीरो बाय म्यू आर। यहां अब इप्सिलॉन जीरो आता था, उसकी जगह क्या आया है, म्यू आर आया, उसकी जगह क्या आया है, म्यू आर, वेर म्यू आर इज अ परमीएबिलिटी। जैसे म्यू इप्सिलॉन जीरो था वैसे ही म्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इप्सिलॉन जीरो यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू जीरो यूज होता है, इसे कहा जाता है परमीएबिलिटी। सो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई म्यू जीरो बाय म्यू आर इंटू M1 M2 divided by d square, where M1 and M2 क्या आया हमारे, M1 and M2 पोल स्ट्रेंथ, M1 and M2 पोल स्ट्रेंथ। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, यूनिट पोल पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यूनिट पोल मीन्स एक पोल का वैल्यू हम M लेते हैं और दूसरे पोल का वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट पोल, एक पोल पे कितना फोर्स, तो एक पोल का वैल्यू हम 1 ले लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करो ऊपर वाले इक्वेशन में तो क्या होगा, देयरफॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई म्यू आर म्यू जीरो इंटू एक का वैल्यू एम एक का वैल्यू वन, वन इंटू एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, वन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी वन अपॉन फोर पाई म्यू जीरो म्यू आर एम अपॉन डी स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर वेबर और एम्पियर पर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, देन यहां देखो म्यू जीरो क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ एयर, एयर की परमीएबिलिटी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें से कितना जा सकता है वो बताने वाली क्वांटिटी क्या है, परमीएबिलिटी। म्यू आर रिलेटिव परमीएबिलिटी, ये क्या है, रिलेटिव परमीएबिलिटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे हमने एप्सिलॉन जीरो के बारे में स्टडी किया था। देन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, अब अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करें, अगर इसका यूनिट हमने टेस्ला लिया है तो टेस्ला मीन्स वन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वन टेस्ला का हमने यूनिट चेक किया था, वन टेस्ला इज नथिंग बट वन न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर, तो दूसरा यूनिट होगा वन केजी एम्पियर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यूनिट भी है वन टेस्ला, टेस्ला को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ में आई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एच से इंडिकेट किए जाती है, उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट स्ट्रेंथ, ये दूसरा फॉर्मूला है, इसके यूनिट भी दिए गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने क्या किए थे, एक लाइन जनरेट किए थे, इमेजिनरी लाइन, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पास के भी लाइन होते हैं। अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे मैग्नेट रखते हैं, इसके नीचे क्या रखते हैं, मैग्नेट, कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट है, कार्डबोर्ड के नीचे क्या है, मैग्नेट है,
और इसके ऊपर हम आयन फाइलिंग्स डालते हैं। क्या आयन फाइलिंग्स? मीन्स आयन के छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर हम डालते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर। तो एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसके नीचे मैग्नेट रख दिया, उसके नीचे मैग्नेट रख दिया और कार्डबोर्ड पे आयन फाइलिंग या आयन के छोटे छोटे पीसेस हमने डाल दिए। ओके, जब हम इसको टैप करेंगे, जब इस कार्डबोर्ड को हम टैप करेंगे तो कार्डबोर्ड पे जो आयन फाइलिंग्स है वो सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे इस लाइन में, जो डायग्राम में दिख रहा है उस डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन एज द कर्व पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यह हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की वजह से होगा, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हमने नॉर्थ पोल को रख दिया, किसको रख दिया? नॉर्थ पोल को। अब यह नॉर्थ पोल क्या होगा? जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो भी कर्व पाथ में मूव करेगा उस कर्व पाथ को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्योंकि नॉर्थ, यहां अगर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव होगा या जिस रास्ते से यह जाएगा उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिफाइंड एज अ कर्व पाथ, इज अ कर्व पाथ विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट पाथ इज नोन एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये समझ में आ गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दे आर क्लोज कर्व स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन अ साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। देख लो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे एंड हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे एंड हो रहा है। तो आउटसाइड मैग्नेट ये नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पे एंड होते हैं, ठीक है? इट इज अ क्लोज लूप, इट इज अ क्लोज लूप। देन टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे एंड हो रहा है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहां क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहां भी क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट है ये मुझे क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, ठीक है? देन दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड होती है, और ये भी नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पे एंड होगी। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो दो नॉर्थ पोल, दो साउथ पोल, या दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहां दो डायरेक्शन, दो नॉर्थ हो जाएंगे, दो साउथ हो जाएंगे पोल के, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये स्ट्रेट लाइन में जाती है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगी। ये समझ में आ गया? दे नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग द लेंथ एक्सपांड लैटरली। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या एक्सपांड हो सकते हैं। रिपल्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट या अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? देन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे, क्या कर रहे? रिपेल कर रहे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो।
नॉर्थ नॉर्थ वाले कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होता है तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे, ये रिपेल करते एक दूसरे को, क्या करते रिपेल करते, ठीक है ये समझ में आ गया। तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे देन ये रिपेल ईच अदर, दे आर रिपेल ईच अदर, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन आर रिपेल ईच अदर। अगर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे तो एक दूसरे को क्या करते हैं ये रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते, याद रखो। देन दे आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइन के बीच में रख दिया, अब लाइन जा रही है साउथ टू नॉर्थ, लाइन जा रही है हमारी नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से जा रही है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और इसके बीच में हमने पेपर रख दिया तो ये पेपर इस लाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, इस लाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ये अफेक्ट नहीं होता। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक लाइन्स अफेक्ट नहीं होंगी। देन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस। अब पैरेलल मैग्नेटिक फोर्स किसे कहेंगे, अगर लाइन स्ट्रेट है, अगर लाइन स्ट्रेट है पैरेलल है और सेम डिस्टेंस पे सारे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो इनको कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाइन्स स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, और इक्विडिस्टेंस सब में डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। तो ऐसे फील्ड अगर ऐसे लाइंस जनरेट होते तो वहां क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम पैरेलल लाइन यूज करते हैं जो कि स्ट्रेट है और इक्विडिस्टेंस है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी से स्टडी की है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वापस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी से स्टडी किया था जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहेंगे, फ्लक्स का नॉर्मल डेफिनेशन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो यहां हमारा डेफिनेशन क्या होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, और पासिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स यूनिट एरिया से कितनी लाइन जा रही है, यूनिट एरिया से कितनी, अगर ये मैंने वन बाय वन का एरिया ले लिया अब इसमें से कितनी लाइन जा रही है, अगर ज्यादा लाइन जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, अगर कम लाइन जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं फ्लक्स, कितना नंबर ऑफ लाइन जा रहा है। सो नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसे इंडिकेट किया जाता है इट इज इंडिकेटेड बाय फाई, फाई लेटर से इसे इंडिकेट किया जाता है। कौन से लेटर से, फाई लेटर से इसे इंडिकेट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट स्टडी किया है हमने, इसका एसआई यूनिट होगा वेबर। क्या होता है इसका यूनिट होता है वेबर। इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। और सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, ओके। एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स सेम जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ओके। सो फ्लक्स कितनी लाइंस कितने एरिया से पास करती है That is known as a magnetic flux. Okay, then magnetic flux density. Next, magnetic flux density.
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया से पास कर रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है यूनिट एरिया से, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। तो फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी से दिखाते हैं, बी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी को कहा जाता है टेस्ला, इसी को क्या कहा जाता है, टेस्ला कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं टेस्ला। और सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होता है गॉस। एसआई यूनिट टेस्ला एंड सीजीएस यूनिट होता है गॉस, दोनों में रिलेशन है। वन टेस्ला इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस, 10^4 गॉस। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सिंपल, जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया है, सिमिलरली वही कंसेप्ट अब रिपीट हो रहे मैग्नेटिक के टर्म में, मैग्नेटिक के टर्म में। देन इसके बाद जो हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉपिक स्टडी किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक डेंसिटी। तो अब दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ठीक है, अब देखो दोनों में रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी लाइंस, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मीन्स कितनी लाइन, जितनी लाइन ज्यादा होगी उतने फील्ड ज्यादा होगी, और जितना फील्ड ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब इंटेंसिटी क्या, सपोज आपने घर में एक बल्ब लगाया तो बल्ब की इंटेंसिटी कम है, दो बल्ब लगाए तो इंटेंसिटी बढ़ गई लाइट की, तीन बल्ब लगाए तो और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। वैसे ही जितने फ्लक्स पास करेंगे पर यूनिट एरिया, मीन जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतना इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, उतना फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये दोनों रिलेटेड है, कैसे रिलेशन है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी।
जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फील्ड बढ़ेगा, जितना फील्ड बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इनटू एच, कांस्टेंट इनटू एच। अब इस कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हियर कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। ओके, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, म्यू जीरो म्यू आर, परमीएबिलिटी ऑफ एयर टू द रिलेटिव परमीएबिलिटी, टू द रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच, म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच। और हम लिख सकते हैं बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच का, ये क्या है, रिलेशन है हमारा दोनों का बीच का, इसको याद रखो। तो यहां हमारा मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट खत्म होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया, आज हमने मैग्नेटिज्म खत्म कर लिया है। अब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी देखो दोनों के कंसेप्ट सेम है, तो आपने एक अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप वर्ड को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक डाल दोगे तो सारे डेफिनेशन एज इट इज सब कुछ जैसे है वैसे। अगर चार्ज की जगह आपको पोल डालना होगा बस इतना ही है, और इप्सिलॉन जीरो की जगह म्यू जीरो डालना होगा, बस थोड़े से चेंजेस किए तो आपको मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा आ जाएगा। अब आप दोनों लेक्चर अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कंसेप्ट सिमिलर है, ठीक है। तो यहां हम अपना मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है, तो यहां हम स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी से लेके सेमीकंडक्टर तक चलेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून और कनेक्टिंग रहेंगे हमारे लेक्चर से, आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल हम फास्ट लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक जल्द से जल्द हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, और हमारे लेक्चर ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।